नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य बर्बादी के ये पांच कारण मुख्य है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये कौन सा पांच कारण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्य को कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बाद होने के ये पांच कारण होते हैं। पहली बात गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। दूसरी बात गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। तीसरी बात श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। चौथी बात गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। अंतिम बात, यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। दोस्तों, आप भी अगर जीवन सफल होना चाहते हैं तो ये पांच बुरी आदत को आज ही छोड़ दें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।